अधिकांशतः अध्यापकों को अध्यापन कार्य में इसलिए घुसना पड़ता है कि उन्हें और कोई काम सूझता नहीं है। एक अच्छा अध्यापक एक अच्छा खिलाड़ी भी होता है। प्रिय देशवासियों, आप सभी जानते हैं कि किसी के भी जीवन में अगर सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण होता है तो वो अध्ययन और अध्यापन, अर्थात मदर इज द फर्स्ट टीचर एंड होम इज द फर्स्ट स्कूल, ये तो हम कहते ही हैं। साथ ही हमें अध्ययन करना होता है कि विद्यार्थी को कौन अध्यापक अच्छे लगते हैं। तो आम तौर से देखा गया है कि विद्यार्थी को वो अध्यापक अच्छे लगते हैं, वो माता पिता अच्छे लगते हैं जो विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने के लिए ना कहें, सुनने पर आपको ये बात अजीबोगरीब लगेगी, लेकिन छात्रों से पूछिए, बच्चों से पूछिए, विद्यार्थियों से पूछिए कि क्या ये सत्य नहीं है। बच्चे स्वभाव से कैसे होते हैं वो सभी जानते हैं, अर्थात आलसी होते हैं, परिश्रम से दूर होते हैं और परीक्षाओं को बिना किसी पढ़ाई चढ़ के उत्तीर्ण करना चाहते हैं। अभी पिछले 2 सप्ताह में जो चर्चा होती रही परीक्षाओं पर, उन पर चर्चा करने पर पता ये चला कि विद्यार्थी दुखी हैं उससे कि जो उन्हें अंक मिले। पूछा गया ऐसा क्यों, तो विद्यार्थियों ने बताया कि अगर परीक्षाएं होती ही तो वो उससे अधिक अच्छा कर सकते थे। लेकिन क्या ये सत्य है? निश्चित रूप से नहीं। क्यों? कि जैसा कि समय समय पर मैं आपसे चर्चा करता रहा हूं कि आज अध्यापन एक व्यवसाय बन चुका है। अध्यापक को वो विद्यार्थी अच्छे लगते हैं जो उसके लिए मिठाई लाएं, कपड़े लाएं, गिफ्ट्स लाएं, और अध्यापक को वो विद्यार्थी अच्छे लगते हैं जो ना पढ़े। तभी तो स्कूल में, कॉलेज में और ट्यूशन में अधिक पैसा मिलेगा। लेकिन क्या ये आदर्श अध्यापक की श्रेणी में आते हैं? क्या इन अध्यापकों को विद्यालयों की कक्षाओं में विद्यार्थियों के साथ समय की हत्या करते नहीं देखा जाता? निश्चित रूप से। तो श्रेष्ठ अध्यापक कौन है? जो वाणी से विनम्र हो, हृदय से विशाल हो और विद्यार्थियों के आत्मा को समझकर उन्हें वो ज्ञान, वो शक्ति, वो ध्यान, वो अनुशासन देने का प्रयत्न और प्रयास करे जिससे व्यक्तित्व का निखार और चरित्र का निर्माण होता है। ऐसे स्वार्थहीन अध्यापकों की, आदर्श अध्यापकों की नितांत कमी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े, अगर हम चाहते हैं कि विश्व में शांति और व्यवस्था बने, अध्यापक चाहे वो माता हो, अध्यापक चाहे वो शिक्षण संस्था में नियुक्त व्यक्ति हो, अध्यापक वो जिसने स्वेच्छा से इस व्यवसाय को चुना हो, अच्छा अध्यापक वो है जो अपने प्रति विद्यार्थियों की धारणा की चिंता नहीं करता, वरन प्रयत्न और प्रयास करता है कि बेशक विद्यार्थी उसे बुरा कहें, लेकिन अध्यापक का जो लक्ष्य होना चाहिए
वो कोर्स पूरा कराना, सिलेबस पूरा कराना नहीं होना चाहिए, वरन वो सब बताना, समझाना, सिखाना होना चाहिए जिससे व्यक्तित्व का निखार होता है। आदर्श अध्यापक केवल विद्यालय में ही विद्यार्थी के बारे में चिंता नहीं करता। आदर्श अध्यापक वो अध्यापक होता है जो दिन रात 24 घंटे 365 दिन परिवार और समाज से ऊपर उठकर ऐसे कीर्तिमान स्थापित करता है, ऐसे आदर्श प्रस्तुत करता है जिनसे विद्यार्थी में उसके प्रति श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होती, साथ ही साथ विद्यार्थी में अपने अध्यापक के प्रति सम्मान जागता है। ऐसे अध्यापक जो स्पष्ट होते हैं, ऐसे अध्यापक जो अनुशासित होते हैं, प्रायः उन्हें कठोर अध्यापक कहा जाता है। लेकिन ज्ञान के संसार में, जैसा कि हम ब्रह्मचर्य की बात कर चुके हैं, किसी भी अध्यापक को पूरा जीवन ब्रह्मचारी ही रहना होता है, अर्थात उसके अंदर हिंदी हो या अंग्रेजी, संस्कृत हो या फारसी, सभी साहित्यों से उदाहरण देने की, प्रस्तुत करने की, सिखाने की, बताने की बहुत अधिक प्रतिभा, इच्छा होनी चाहिए। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो सच्चा अध्यापक है उसके पास पढ़ाने के लिए समय की सीमा से का बंधन नहीं होता। संस्कृति, विचारधारा, भाषा, सब कुछ का एक ही आधार होता है, अध्यापक की प्रस्तुति, अभिव्यक्ति, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी रुचि। अधिकांशतः अध्यापकों को अध्यापन कार्य में इसलिए घुसना पड़ता है कि उन्हें और कोई काम सूझता नहीं है। एक अच्छा अध्यापक एक अच्छा खिलाड़ी भी होता है। एक अच्छा अध्यापक एक वाकपटु भी होता है, एक अच्छा अध्यापक गंभीर भी होता है, और एक अच्छा अध्यापक अपने परिवार के समय को भी इस प्रकार से बिताता है कि घर में भी उसके विद्या बच्चे छात्र बन जाते हैं, विद्यार्थी बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध के माता पिता, महात्मा बुद्ध की पत्नी सबसे पहले महात्मा बुद्ध के अनुयायी बने। क्यों? धर्म का उन्होंने ढोंग नहीं किया, और हिंदू मुसलमान, छूत अछूत, गरीब अमीर का अध्यापक में कोई विशेष महत्व नहीं होता, और विद्यार्थी से अध्यापक ये जानने का प्रयत्न भी नहीं करता, प्रयास भी नहीं करता कि वो किस वर्ग से है, किस जाति से है, किस संप्रदाय से है, किस उम्र का है। क्यों? क्योंकि उम्र की कोई सीमा नहीं होती। ऐसा कहते हुए मैं कहूंगा कि आदर्श अध्यापक वो है जिसका सर्वस्व ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की उपलब्धि, ज्ञान के प्रचार और प्रसार में निरंतर मुखरित भाव से मुस्कुराते हुए लगा रहता है। धन्यवाद।